Hello everyone, today we will study maths from the book Maths Magic of Standard 4th. Today our first topic is building with bricks. आज जो हम study करने वाले हैं वो हमारा first chapter होगा building with bricks. Bricks का मतलब तो आपको पता ही होगा, bricks यानि ईंट जो आपके घर पे वॉल बनाने के समय इस्तेमाल होती है. ब्रिक्स जो आपके घर पे दीवार बनाने के समय यूज़ होता है. कोई भी बिल्डिंग्स या कोई भी इस तरीके से स्काई स्क्रैपर्स या बड़ी सी मॉन्यूमेंट्री या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी होती है या स्कूल बनानी होती है तो हम उसमें ब्रिक्स यूज़ करते हैं. ओके, शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. ब्रिक्स पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल. जागृति स्कूल यानी स्कूल का नेम है. जागृति नाम का स्कूल है जहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. इसमें सिर्फ ब्रिक्स ही यूज़ की हुई है. पहले के ज़माने में कोई भी बिल्डिंग बनाते समय सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, वो लोग सिर्फ ब्रिक्स ही यूज़ करते थे बनाने समय, और थोड़ा सा मड. मड यानी कीचड़, जो मिट्टी के अंदर पानी डाल के बनाते हैं वो. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad in West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick pattern on the floor and walls. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मुर्शिदाबाद में जो स्कूल थी तब वहाँ ब्रिक्स के मदद से अलग अलग पैटर्न्स बनाते थे ब्रिक्स के हेल्प से. तो वहाँ फर्स्ट टाइम ये चीज़ इन लोगों ने स्टार्ट की थी. पैटर्न्स फ्लोर पे बनाते थे एंड वॉल्स पे बनाते थे. जमाल कालू एंड प्यार वेयर द मैसन फॉर द ब्रिक्स वर्कर. मैसन यानी जो ब्रिक्स बनाते हैं और जो उनका वर्क करते हैं बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का, उन्हें मैसन कहते हैं. तो ये जो तीन वर्कर्स थे वो मैसन थे, वहाँ पे ब्रिक का वर्क करते थे. दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग्स, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुर्शिद कुली खान है, मीन्स ये जगह का नेम है जहाँ पे अलग अलग टाइप से पैटर्न बनाते थे विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स. और वो ये वैरायटी देखने के लिए, न्यू अपने पैटर्न्स बनाने के लिए वो इस तरीके से एग्जांपल लेते थे किसी और चीज़ का. तो ये जो तीन थे, जमाल कालू एंड प्यार, ये तीनों ने अपने तरीके से बिल्डिंग्स के अंदर न्यू पैटर्न्स बनाने का इन्होंने डिसाइड किया था. तो ये एग्जांपल देखने के लिए गए थे. This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by mason long back, about 300 years ago. ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है वो 300 ईयर पुराना है. इसमें करीब 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स हैं. 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न्स यानि ब्रिक के मदद से अलग अलग पैटर्न बनाए हुए हैं, और ये बहुत समय पहले मैसन द्वारा बनाया गया था. और इसका टाइम मीन्स बहुत पुराना है, सो इट टेक्स 300 ईयर्स एगो. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक एरिया है, ओपन स्पेस है, साइड में वॉल है जिसमें पैटर्न्स बनाई हुई है, बीच बीच में ओपन स्पेस है और बाकी पूरा ब्रिक्स से बनाया है. सेकेंड पिक्चर और फर्स्ट एंड सेकेंड पिक्चर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया है, तो एक न्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है. इसमें भी डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाई दे रही है. लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस फाइव फ्लोर पैटर्न्स. यहाँ दिखाई दे रहा है 1-2 कैसे ये फ्लोर पैटर्न है जिसके ऊपर आप चलते हो, वो फ्लोर. ये है थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ वन. आप देख सकते हो सब अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई दे रही हैं. विच फ्लोर पैटर्न वुड यू लाइक द मोस्ट. आपको कहा गया है कि इसमें से पैटर्न आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई है.
आप यहाँ से अपने तरीके से कोई भी पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई सिलेक्टेड हियर नंबर 5, मैंने यहाँ पे नंबर 5 सिलेक्ट किया है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? अब आपसे पूछा गया है कि आपने इस तरीके से पैटर्न्स कहीं देखी है। अगर आप कहीं पुराने फोर्ट में गए हो, राजस्थान गए हो, या पूरे ओल्ड प्लेसेस पे गए हो, म्यूजियम्स गए जाते हो, तो वहाँ पे आपने इस तरीके से पैटर्न्स देखी होगी जहाँ पे अलग अलग ब्रिक्स से पैटर्न्स बनाए हुए होते हैं। ओके, द मैसन केम बैक एक्साइटेड। जमाल सेड, आ इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। We had forgotten this. Let us make some nice design on the floor of this school. अब जमाल ने ऐसा कहा कि पहले के ज़माने में कितनी बढ़िया सी पैटर्न बनाई हुई है इन लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। ये तो हम पहले भूल ही चुके हैं, पहले की चीज़ें। अब हम इस स्कूल में बनाते समय हम ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं, मीन्स फ्लोर पे ब्रिक के हेल्प से पैटर्न बनाना। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। हर एक मैसन ने अलग अलग डिफरेंट पैटर्न अपनी बनाई। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न themselves। यहाँ के चिल्ड्रंस ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने वो सारे पैटर्न को देख के एन्जॉय किया, उनके ऊपर सॉन्ग्स गाए और उन्होंने भी अपने तरीके से कुछ अलग अलग पैटर्न्स यहाँ बनाने की कोशिश की। दे फॉर्म अ पैटर्न्स themselves। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ सब अलग अलग पैटर्न्स एक वे में आपको दिख रही होगी। पहले अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, फिर हर में अलग अलग डिज़ाइंस आपको दिख रही होगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, जहाँ पे आपको A to K तक डिफरेंट पैटर्न्स आपको दी गई है, उसमें से आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी पैटर्न आपको किस वे में दिखाई दे रही हैं। आप पहले अच्छे तरह से देख लोगे A, B, C और सारी K तक। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। यहाँ फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पे कौन सी पैटर्न सर्कल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमें ई एंड जे सर्कल वे में देखना है हमें। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ क्रिस क्रॉस इस तरीके से पैटर्न दिखाई दे, बट सर्कल में सिर्फ 2 ही पैटर्न हमें दिखाई दे रही है, वो है ई एंड जे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आंसर में E and J. Now next, in which pattern can you show mirror half? Draw a line. Mirror half का मतलब कोई भी आपको pattern दी है उसमें से आप exactly half करोगे तो pattern दोनों side same to same होनी चाहिए, उसे mirror half कहते हैं। Mirror means आईना, आईने के सामने आप exactly खड़े रहते हो तो perfect आपका image उसमें दिखाई देगा, उसे कहते हैं मिरर हाफ। इट मींस आप हम ए में लेते हैं तो मिडल से मैंने 1 लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली हाफली मैंने उसे डिवाइड किया है और सेम दिखाई दे रहा है हमें, एग्जैक्टली सेम, तो इसे हम मिरर हाफ कहेंगे। तो हमें देखना है कि कौन से पैटर्न्स में हमें इस तरीके से मिरर हाफ शो हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ किया है ए में, बी में, F में, H में, I, J एंड K, ऑलमोस्ट मैक्सिमम में है मिरर हाफ। ओके, सो मैंने यहाँ नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो आपको भी लिखना है। ओके, A, B, F, H, I, J, K एंड लास्ट वन इज E. Now you draw some new floor patterns. अब आपको अपनी तरीके से कुछ अलग अलग फ्लोर पैटर्न्स घर पे बनाने होंगे। देख रहे हो आप, हमने यहाँ कैसे तरह से पिक्चर्स में देखे हैं,
आप अपने तरीके से आप कुछ न्यू इनोवेटिव फ्लोर पैटर्न्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो और उनके मदद से आप न्यू बना सकते हो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक्स। अब आपको यहाँ कहा गया है कि आपको ब्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है। देयर आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक्स। यहाँ पे आपको टू फोटो दिए हैं एक ही ब्रिक का, ब्रिक यानी ईंट। ये ब्रिक का आपको पिक्चर देखना है और ऑब्जर्व करना है। एक को ऊपर से लिया है और एक को साइड से पिक लिया है, वो आप देख सकते हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। ये फोटो में हम खाली वन फेस ही देख सकते हैं वो ब्रिक का। इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग द थ्री फेसेस। अब आपको ये कहा गया है कि इसमें से जो थ्री फेसेस वाला आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है उस पर आपको सर्कल करना है। यहाँ पे आपको सिंगल फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वन टू थ्री फेसेस दिखाई दे रहा है। फेसेस मतलब सरफेस। ये बुक आपको दिखाई दे रही है तो इसके ऊपर जो ये फ्रंट जो आप टच कर रहे हो उसे फेस वन कहेंगे। तो यहाँ पे हमें ये फेस दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड फेस है एंड दिस इज थर्ड फेस। आपको ये कहा है कि जिसमें थ्री फेसेस है उसे आपको सर्कल करना है, तो आप इसे सर्कल कर लोगे। ओके, यस, बिकॉज इट हैज़ थ्री फेसेस। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। अब आपको ये पूछा गया है कि एक ब्रिक में कितने टोटल फेस होते हैं। सो इट कंटेन्स सिक्स फेस। यस, सिक्स फेस। आपके घर के आसपास कहीं ब्रिक होगी तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए यहाँ ये वन फेस, ये टू फेस एंड ये थर्ड फेस। और ये वन ऊपर जो है तो ये बॉटम में सेकंड होगा, ये साइड में है तो नेक्स्ट साइड में फेस होगा, और यहाँ जो फेस है उसके ऑपोजिट साइड में फेस होगा। मीन्स थ्री दिखाई दे रहे हैं एंड इट ऑल्सो हैव थ्री फेसेस एट द बैक ऑफ इट। इज एनी फेस अ स्क्वायर। यहाँ पे आपको कोई भी फेस स्क्वायर नहीं मिलेगा बिकॉज ये पूरी ब्रिक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। सो यू डजंट हैव एनी स्क्वायर फेस ओवर हीयर। सो यू विल राइट नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। यहाँ पे मैंने छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, वो अभी आपको ड्रॉ करना है। जो भी यहाँ आप देख सकते हो, जो भी ब्रिक होती है उसके साइड में, दोनों साइड्स में छोटे टू रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो वो शेप आपको यहाँ ड्रॉ करना है, स्मॉल रेक्टेंगल शेप। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। अब इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से फेसेस रेक्टेंगल के हैं, मीन्स ब्रिक के है। ब्रिक में हमेशा रेक्टेंगल ही होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये है फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज दिस। तो टू है तो आपको टू पे ही टिक करना है। ये आपको जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो हम नहीं काउंट करेंगे ब्रिक्स में। वी ओनली हैव टू टेक फेसेस ऑफ रेक्टेंगल, नॉट ऑफ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक के अंदर मैंने आपको कहा था सिक्स फेसेस होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बताया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द फेस ऑफ अ ब्रिक। तो ये है फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। नाउ मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेस। अब इस ये एक आपको रेक्टेंगुलर कंपास दिया गया है, इसके आपको ड्राइंग बनानी है जो मैंने नीचे बनाई हुई है, जिसका फेस दिखना चाहिए थ्री साइड। तो ये देखिए आप, ये फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड एंड दिस वन इज थर्ड साइड। ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज फोर ऑफ इट्स फेसेस। अब आपको ये कहा गया है कि एक साथ आपको फोर इस तरह के से फेसेस दिखाने हैं और ऐसे ड्राइंग बनानी है। नो,
सच ड्राइंग कैन नॉट बी मेड. यस, हम इस तरीके से ड्राइंग नहीं बना सकते बिकॉज हमें थ्री ही इसमें दिखाई देंगे, हमें फोर दिखाई दे, हम इस तरीके से ड्राइंग नहीं बना सकते. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. अ वॉल दैट विल नॉट फॉल. अब ये कहा गया है कि जब आपकी वॉल बनती है तो उसमें ब्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए. वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स. ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल. ये जैनब ने बनाया है और एक मुनिया ने बनाया है. ये दोनों ने अपनी अलग अलग पैटर्न्स बनाई है वॉल बनाने के लिए. इसमें आप देख सकते हैं तीन बनाई रखी है, उसके ऊपर टू देन वन, और इसमें एक के ऊपर एक बनाई हुई है. अब यहाँ कहा गया है कि कौन सी वॉल अब स्ट्रांग होगी और जो इजीली फॉल नहीं होगी वो आपको चेक करना है. जैनब से हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली. मैसन टू डू नॉट पुट ब्रिक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन. यहाँ पे ऐसा कहा गया है, जैनब ने ऐसा कहा कि मेरी वॉल जल्दी से फॉल नहीं होगी बिकॉज मैंने इस तरीके से पैटर्न में बनाई हुई है, और यहाँ पे मुनिया ने एक के ऊपर एक सारी ब्रिक्स रखी हैं, वो इजीली फॉल हो जाती है. और जो मैसन होते हैं वो भी इस तरीके से वॉल पुट नहीं कर ब्रिक्स पुट नहीं करते, वो ये इसी तरीके से पैटर्न यूज़ करते हैं ताकि उसमें स्ट्रांगनेस रहे. What do you think? Which wall will be stronger? Zainab, yes, इसकी wall ज़्यादा strong होगी. Look for wall where you can see different brick patterns. अब आप अपने आसपास या कहीं घर के आसपास देख सकते हैं, अगर आपको brick से कोई different pattern दिखाई दे रही है तो वह आप observe कर सकते हो. Different wall patterns. Here are photos of three kinds of brick walls. Can you see the difference in the way of the bricks are placed? क्या आप इनमें से difference पता कर सकते हो? तो चलो हम observe करते हैं. First picture में हमें ये दिखाई दे रहा है कि first एक big rectangular brick है, then you have to put it a small brick, then again a brick, big brick, then small, then big. पहले बड़ी है, देन छोटी, बड़ी, छोटी, इस तरीके से ब्रिक अरेंज की है. सेकेंड लाइन में बड़ी ब्रिक के नीचे छोटी ब्रिक रखा है और छोटी के नीचे बड़ी, इस तरीके से पूरा पैटर्न फॉलो किया गया है. आप देख सकते हो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. यस और नो? यस. नाउ वी कम टू सेकेंड पिक्चर. यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ी ब्रिक है और एक छोटी, लेकिन जो छोटी है वो फर्स्ट पिक्चर से थोड़ी बड़ी ली हुई है. सो बड़ी छोटी अगेन यहाँ एक डिफरेंट पैटर्न हुआ है, फॉलो किया है और न्यू पैटर्न बना है. अब थर्ड पिक्चर में हम ये देखेंगे कि यहाँ टू सेम साइज़ की ब्रिक ली है, देन एक बड़ी ब्रिक ली है. अगेन यहाँ फर्स्ट वापस से बड़ी ब्रिक ली है, देन छोटी ब्रिक ली है. यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है, आप देख सकते हो. पहले लाइन में छोटी छोटी ब्रिक्स अरेंज किया है, फिर सेकेंड लाइन में सारी बड़ी अरेंज की है, अगेन थर्ड लाइन में छोटी ब्रिक्स अरेंज की है, फोर्थ लाइन में बड़ी ब्रिक्स अरेंज की है. इस तरीके से पैटर्न डिफरेंट फॉलो किया गया है. यहाँ पे तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया. पहले में छोटी ब्रिक्स, सेकेंड में थोड़ी बड़ी ब्रिक ली हुई है, और थर्ड में वन लाइन चेंज, सेकेंड लाइन चेंज, अगेन वन लाइन रिपीटेड, सेकेंड लाइन चेंज, इस तरीके से पैटर्न्स लिया गया है. नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो. अब देखो यहाँ छोटी ब्रिक है तो इसमें आप पहले चेक करो जिसमें छोटी ब्रिक यूज़ की है वो हो सकता है. तो हम यहाँ इसे नेम देंगे ए, बी एंड सी. यहाँ 1, 2, 3, यहाँ ए, बी, सी. तो बी में हमें छोटी ब्रिक्स दिखाई दे रही है, इट मीन्स हम ए से बी में लाइन ज्वाइन करेंगे. अगेन हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ सेकंड नंबर में देखेंगे थोड़ी बड़ी ब्रिक ली हुई है, इट मीन्स ये सी. यस, ये 2, 2, C में लाइन ड्रॉ होगी, और लास्ट जो रिमेनिंग होगा वो 3, A से ज्वाइन होगा. इट मीन्स हमने इस तरीके से इसे मैचिंग करना था. वन में बी होगा, सेकेंड में सी एंड थर्ड में ए.
Okay, now we come to next page. Here we can see this kind of jali. This jali is from a library building in Kerala. केरला में एक बिल्डिंग है जिसमें इस तरीके से जाली बनाई है. जाली मीन्स एक वॉल है जिसमें ब्रिक्स के हेल्प से बीच में ओपन स्पेस रखते हैं, उसे जाली कहते हैं. ये पैटर्न होती है और डिफरेंट पैटर्न बन सकती है इससे. ये एक बिल्डिंग है जो केरला में है और एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं. सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज यूज टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल. आप यहाँ देख सकते हो ट्रायंगल बनाने के लिए कैसे ब्रिक्स को यूज़ किया है. थोड़ा सा इसका एज बाहर निकाला है इसलिए उसे कहते हैं जाली. इस तरीके से जाली बनाने का पैटर्न. हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स. लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है बट ये ट्रायंगुलर नहीं है. यहाँ पे ब्रिक को इस तरीके से बरी किया है यानी सॉइल में डाला है कि सिर्फ आपको उसका एज दिखाई दे रहा है जिस वजह से वो आपको ट्रायंगुलर दिखाई देगा. उसी तरीके से आप नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हो एक बड़ी सी वॉल है जिसपे ब्रिक के मदद से बीच में स्पेस रखे हैं और एक डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. इसे जाली कहे गए. डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो. दिस इज फ्रॉम अ स्कूल. ये पैटर्न एक स्कूल की ली गई है और इसे आर्क कहते हैं. आप ये देख सकते हो ये जो पैटर्न हाफ राउंड की हुई है उसे आर्क कहते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली. द मैसन हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल. ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक जागृति स्कूल के हैं जिसमें मैसन ने कई अलग अलग तरह से पैटर्न्स बनाई हैं. आप यहाँ देख सकते हो ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, साइड्स में भी डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई दे रही है. यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे पैटर्न्स उन्होंने लिए हैं. तब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज़. ये टू डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं जिसमें आपको जाली पैटर्न्स कैसी दिखाई दे रही हैं. तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि ये वन, देन दिस वन इज टू, दिस वन इज थ्री, दिस इज़ डिफरेंट दैन दिस थ्री. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये फोर एंड ये फाइव जो पीछे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है. ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जालीज दिखाई दे रही है. तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे देयर आर फाइव डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन सी इन दिस टू फोटोज़. यस, टू फोटोज़ में हम अलग अलग फाइव डिफरेंट जाली पैटर्न देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. दिस इज़ अ ड्राॅइंग ऑफ एन अनादर ब्यूटिफुल जाली. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पिक्चर्स हैं जिसमें बीच में एक प्लस साइन जैसा आपको दिखाई देगा. तो ये जाली पैटर्न हुई. ये जाली पैटर्न आपको यहाँ आप ड्रॉ करनी है. मैंने एग्जाम्पल्स में आपको फोर ड्रॉ किए हैं, बाकी के आपको अपने खुद से ड्रॉ करने हैं. दिस इज़ वर्क ऑफ योर्स सो डू इट प्रॉपरली. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. कैन यू सी द विंडो जरूखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल. यस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में इसे जरूखा कहते हैं. वो चीज़ यहाँ पे हमने ली हुई है, इसे जरूखा कहेंगे. अब ये जरूखा आपको नीचे अच्छे से ड्रॉ करना है. मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से. तो ये आपको ये पैटर्न भी आपको यहाँ ड्रॉ करनी है और आपको शेड करनी है ब्लैक में. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द वर्क नोट वर्क. अब तक हमने टेक्स्ट बुक के सारे चीज़ देखी थी, उसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा. नाउ वी कम टू राइटिंग वर्क. मैं जो भी नोट्स आपको यहाँ दिखा रही हूँ वो आपको अपने नोटबुक में कॉपी करके एज अ नोट्स रखने हैं. ओके, नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर वन. आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ब्रिक दिया गया है, वो ब्रिक को आप ऑब्जर्व करोगे. इस ब्रिक के हिसाब से आपको आंसर्स शो करना है. ओके,
So first question is, how does the shape look from A side? आप A side में देखते हो, A face देखोगे, सिर्फ ये face मैं देखने का कह रही हूँ आपसे, तो ये face आपको कैसा दिखाई दे रहा है? Rectangle और square? Yes, rectangle. तो हम यहाँ लिखेंगे rectangle. Second number, how does the shape look from side B? Side B से आपको कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है, बट हमेशा याद रखना, एक ब्रिक में हर साइड आपको रेक्टेंगल ही दिखेगी. सो यू विल राइट हियर रेक्टेंगल. अगेन, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड सी? साइड सी से आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है? अगेन वी विल राइट रेक्टेंगल. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी ब्रिक में हर साइड मीन्स सिक्स साइड आपको रेक्टेंगल ही शो होगी, आप स्क्वायर नहीं लिखोगे. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कितनी साइड्स होती हैं वो आपको कहना है. तो हम पहले देखेंगे 1, 2, 3. तो ये जो तीनों साइड्स आपको दिखाई दे रही है उसके ऑपोजिट साइड भी उतनी ही होगी. Then 3 plus 3, 6. So you will write here 6. How many edges are there? Edge का मतलब क्या होता है? ये edge यानी जो two sides जहाँ touch होते हैं, जहाँ meet होते हैं, उसे कहेंगे edge. तो इसमें आपको edges count करने हैं. Okay? तो ये आपको count करना है. तो सबसे पहले हम count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर यहाँ जो आपको ऊपर दिख रहे हैं उतने ही नीचे ही होंगे. तो यहाँ से आप एक 1 सिलेक्ट कर सकते हो, देन यहाँ पे एक स्लिपिंग होगा, एक यहाँ स्टैंडिंग होगा. सो टोटल इट हैज़ 12 एजेस. तो आपको यहाँ 12 लिखना है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर? आपको ये देखना है कि ये कॉर्नर्स कितने हैं. जो मीटिंग पॉइंट होते हैं उसे कॉर्नर्स कहते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 एट द बैक साइड ऑफ द ब्रिक. सो इट हैज़ 8 कॉर्नर्स. वॉट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप? ये शेप का नेम क्या होगा? ये शेप हमेशा 3D में होता है. अगर 2D में होता है तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, और 3D में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. सो इट नेम इज क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ब्रिक्स मेड अप ऑफ? पुट अराउंड देम. आपको ये पूछा गया है कि ब्रिक बनाते समय उसमें क्या यूज़ होता है. तो यहाँ दिया है वुड, क्ले, ग्लास, स्टोन, आयरन. तो हमें ये तो पता है कि वो किससे बनता है. आपको पता है? यस, इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले. क्ले यानी मिट्टी. तो आपको क्ले में सर्कल करना है. नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज्ड टू मेक अ वॉल? वॉल बनाते समय क्या चीज़ उसमें यूज़ नहीं होती वो आपसे पूछा गया है. वुड, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक और ब्रिक. यहाँ पूछा गया है कि क्या बनती नहीं है वो आपको पूछा गया है. तो ऑब्वियसली वॉल बनाते समय हम प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करते. कई कबार वुड यूज़ कर लेते हैं, आयरन तो होता है वॉल के अंदर यूज़ करते समय, स्टोन से भी हम वॉल बना सकते हैं, ब्रिक्स तो हम यूज़ करते ही हैं. इट मीन्स वी विल सर्कल ऑन प्लास्टिक. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके नोट्स हैं, ये आपको अच्छे से क्लियरली अपने नोटबुक में लिखने हैं, इसे प्रिपेयर करना है. और जो भी टेक्स्ट बुक्स में मैंने लिखवाया है वो भी मैं आपको PDF द्वारा सेंड करने वाली हूँ, वो भी आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए. एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल and be ready for the next lecture. Okay students, bye, have a good day.